नमस्कार, बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बताते चले उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर। योगी सरकार का ऐलान, नहीं होंगी यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के आधार पर होगा छात्रों का प्रमोशन। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को देखते हुए छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सूबे की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड में 10वीं के बाद अब 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सीएम योगी के साथ बैठक करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने यह ऐलान किया कि अब यूपी बोर्ड में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बाकायदे यह भी बताया कि किस आधार पर छात्रों का प्रमोशन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज सीएम योगी के साथ बैठकर परीक्षा कराए जाने को लेकर करीब एक घंटे तक मंथन किया। मंथन के बाद 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिसका ऐलान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने छात्रों के हितों को लेकर चिंता व्यक्त की, जिसके चलते सीबीएसई की भी परीक्षा रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि छात्र हितों को देखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और जिसमें करीब 60 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं, उनकी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब यूपी बोर्ड में परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को प्रोन्नत करने को लेकर वह बोले कि छात्रों को प्रमोट करने का आधार भी तय हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि उस आधार से किसी छात्र को समस्या होती है तो उसे अपनी बात रखने और उसके प्रमोट को लेकर अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। बता दें कि यूपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। अब 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। चैनल हेड मुकेश कुमार एडवोकेट की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, वो 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे, आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था